welcome my dear students in today's video lecture we are going to learn today Laldeed which is chapter number second of your textbook is class seventh subject English I shall try to show it's here on page number 10 Starts from page number ten of your textbook. Let us try to understand first pair of the said topic. Ded, thirteen hundred twenty to thirteen hundred ninety two a fourteenth century poet was born in Padmanpur near Pampur, Palavama. She is known by various appellations like Lalla, Lal Arifa, Lalishwari and Lalit. She is the most respected and renowned woman saint poet of Kashmir. She was married at the age of 12 but her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take Sanya's renunciation. She was greatly influenced by the Shiite and Sophie schools of thought. She gave up worldly pursuits and pleasures to know God. And this is first pair of your sad prose. That's Lalded. And uh, let us try to analyze the first pair of the Lalded. वट आई रीड आउट बिफोर यू लल दैद लल दैद इज ए नैम ये एक नाम है अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं यह पैदा हुई थी, थी थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी में यानी तेरह सौ बीस ईस्वी में और डैश है यहाँ पे तो। टो इट मीन्स टो तेरह सौ बीस में पैदा हुई थी और तेरह सौ बयानवे में थर्टीन टू में इसकी मौत हुई थी यानी इसका इंतकाल हुआ था इस दुनिया से इंतकाल हुई थी देन द इज ए सिंबल स्माल लाइक दिस यू कैन सी इट्स ए कामा ए फोटीथ सेंचुरी पोइट चौदहवीं सदी की एक शायरा रही है सेंचुरी ए स्पैन ऑफ हंड्रेड ईयर्स सौ सालों को हम सदी कहते हैं सेंचुरी कहते हैं और फोर्टीन सेंचुरी इसके बीच में एक सिंबल है ये जिसको हम हाइपन कहते हैं हाइपन वोमत है टू वर्ड्स जैसे फोर्टीन सेंचुरी ये कनेक्ट हुआ है इस सिंबल से तो इसको हाइपन कहते हैं वॉज बॉर्न इन पद्मनपुर नियर पामपुर पलवामा ये पैदा हुई थी पद्मनपुर में जो एक गांव है पामपुर कस्बे के नज़दीक और ज़िले पलवामा में जो आका है शी इज़ नोन बाई वेरियस एप्लीशन लाइक लल्ला लल आरिफ़ा ललेश्वरी एंड लली शी इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इंस्टड ऑफ़ और इन प्लेस ऑफ लल दद शी इज ए वर्ड विच इज़ ए प्रोनाउन शी प्रोनाउन है प्रोनाउन उसको कहते हैं जो नाम के बजाय इस्तेमाल होता है हियर शी इज़ यूज़ड फॉर लल दैद शी रेफ़र्स टू लल देद शी ललद की तरफ इशारा करता है सो शी यानी लल दैद इज़ नोन जानी जाती है बाय बाई वेशन बहुत सारी खिताबों से बहुत सारे नामों से एप्लेशन मीन्स टाइटल खिताब लाइक लल्ला लल आरिफ़ा ललेश्वरी एंड लली ये इन खास खिताबों से कश्मीर में जानी जाती है शी फिर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है यानी लल शी इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रिनाउंड वमे सेंट पुइट ऑफ कश्मीर वो काबिल एहतराम और बहुत मशहूर जो है शारा सोफ़ी शायरे कश्मीर के रही है शी वाज शी मैंने आपको बोला शी क्या है शी इज़ यूज़ड फॉर लल देद शी इज़ ए प्रो नाउन वाज मैरीड ऐट द एज ऑफ ट्वेल्व लल देद बारह साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी फिर जो ये निशान है यहाँ पर ये कामा है बट हर मैरीड लाइफ प्रूड अनहैप्पी उसकी जो शादी शुदा ज़िंदगी है वो नाखोशवार अन हैप्पी ना खुशगवार साबित हुई एंड शी लेफ्ट हर इन लाज एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू टेक सन्यास रनन्शन और उसको ससुराल छोड़ना पड़ा चौबीस साल की उम्र में और उसने सन्यासी यानी सन्यास इख्तियार यानी यानि और उसने ये दुनियावी जिंदगी तारक करके एक अलग थलग ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की शी वाज ग्रेटली इंफ्लेंसड बाई द शाइट एंड सोफ़ी स्कूल ऑफ थाट वो शिविज्म और सोफ़ी मकताब फ़िक्र से बहुत मुतासर थी यानी शिवाई शिविज्म मीन्स इट्स ए सेक्ट ऑफ हिंदुज़म ये हिंदुज़म का एक मसलक है जो शिव गॉड शिव में बिलीव करते हैं एंड सोफी स्कूल ऑफ थाट सोफी मीन्स इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग सोफी उनको कहते इस्लाम में जो सादा सीधे सादी ज़िंदगी इख्तियार करते हैं और खुदा को जानने की कोशिश करते हैं खुदा से जुड़ने की कोशिश करते हैं शी गेव एंड प्लेजर्स टू नो गॉड उसने जो भी दुनियावी ख्वाहिशात हैं छोड़ के खुदा को जानने की कोशिश की खुदा की ज़ात को पहचानने की कोशिश की तो गॉड मीनस खुदा अल्लाह गॉड तो ये मैंने आपको इस पैराग्राफ के बारे में आपको बताया I try to make you understand what this para is all about. तो मैंने यहाँ पे कुछ difficult meanings words के meaning of difficult words यहाँ पे write down किए। So century a span of hundred years, century सदी को कहते हैं, hundred years को कहते हैं, century bore means पैदा होना। टू कम इंटवाल्व बाई बर्थ एप्लेशन मीन्स टाइटल खिताब रेस्पेक्टेड काबिल एहतराम रीनाड मशहूर सेंट सोफ़ी रिनंसिएशन तर्क करना छोड़ना तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पैराग्राफ को समझा होगा और आप खुद भी इसकी रीडिंग कर सकते हो पेज नंबर टेन पे है ये आपकी टेक्स्ट बुक पे तो कल इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे तब तक के लिए असल